गाइस, हेलो जी, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, क्या चल रहा है? होपफुली सब कुछ अच्छा चल रहा है, मजे में चल रहा है एंड मैं भी अब ठीक हूँ। मुझे क्या हो गया था तो मैं अभी से बता देती हूँ। अगर आप लोगों वो वीडियो नहीं देखी है राउंड 12 की, तो मेरा हो गया था छोटा सा एक्सीडेंट और अभी मैं बेटर हूँ, ठीक है, इसलिए बीच में गैप आ गया था। लेकर आ गई खान सर की एक और वीडियो और ये वीडियो की काफी टाइम से रिक्वेस्ट आ रही थी, सुभाष चंद्र बोस बायोग्राफी बाय खान सर। तो हाँ जी, ये वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो भी मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो आप लोग भी अपनी रिक्वेस्ट मुझे भेज सकते हो। करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब करना है एंड मुझे कॉमेंट करके बताना कि और किसके वीडियो पर रिएक्शन चाहिए है, या आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके वहां पर डीएम भी कर सकते हो, लिंक भी शेयर कर सकते हो, जैसे आप लोग कंफर्टेबल लगे। तो चलते हैं हम लोग हमारे वीडियो के साइड पे, बाकी की बातें करेंगे हम लोग वीडियो खत्म होने के बाद। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जब सब लोग आ जाते थे, दरवाजा बंद करके जहरीला गैस डाल देता और शीशा वाला खिड़की लगा था, उसमें से देखता था कि कैसे मर रहे हैं। मरो मरो, दरिया तेरी खैर नहीं, बूंदों ने बगावत कर दी है, नादा न समझ इनको लहरों ने बगावत कर दी है, हम परवाने हैं मौत समा, मरने का है खौफ का, रेत तलवार तुझे झुकना होगा, गर्दन ने बगावत कर दी है। 40-41 के दौरान ये बहुत ही ज्यादा क्या रहे, एग्रेसिव रहे। 40-41 के दौरान भयानक ये भाषण बहुत जबरदस्त देते थे सुभाष चंद्र बोस। भड़कीला भाषण देने के कारण अंग्रेजों ने क्या कर लिया, गिरफ्तार कर लिया। बाद में उन्होंने 1941 में इन्हें छोड़ा। तब ये रसिया होते हुए इटली, रसिया, कई देशों की भ्रमण किए और कहां पहुंचे, जर्मनी में पहुंचे। और जर्मनी में हिटलर के पास गए मिलने के लिए, तो हिटलर को मिलने के लिए दिया गया। हिटलर के ऑफिस में कौन पहुंचे, सुभाष चंद्र बोस। और हिटलर के शत्रु के हिटलर आया, सारे लोग सल्यूट किए, हिटलर आ गया, सर सर सर, हिटलर आ गया। हिटलर सुभाष चंद्र बोस खड़ा भी नहीं है, हिटलर गया, हिटलर चल गया घुस जाके। बाद में पता चला नकली हिटलर था, अच्छा, उसका फेस वैसे ही मिलता था। उसके बाद आया ओरिजिनल हिटलर, सारे सल्यूट किए, सॉरी हिटलर, ओकरो देख के सुभाष चंद्र बोस भय मिल दिया। बाद में पता चला यो नकली था, जितना आया सब उसके खुद के बॉडीगार्ड कंफ्यूज हो जाते थे सब, लेकिन सुभाष चंद्र बोस नहीं, ओरिजिनल। जब हिटलर आया, जब ओरिजिनल हिटलर आया, तो ओरिजिनल हिटलर के आते वक्त में सुभाष चंद्र बोस खड़े हुए, हाथ मिलाए, वहां से हिटलर कंफ्यूज हो गया, तो बहुत होशियार आदमी लग रहा है। उन्होंने पूछा कि आपको पता कैसे चल, तो सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि सोने की परख सुनार को अच्छे से होती है, अगर उसको लोहा दिखाइएगा तो दूर से पता कर लेगा कि सोना नहीं है। सुभाष चंद्र बोले कि अच्छा आदमी, हिटलर बोला कि अच्छा आदमी ठीक ठाक लगता है। पूछा हिटलर की क्या चाहते हैं आप, सुभाष चंद्र बोस ने कहा है कि हम बहुत खतरनाक चीज चाहते हैं। क्या चीज, कहा कि देखिए हमारे देश से 3 लाख फौजी को इंग्लैंड लेके आया है और आपके खिलाफ लड़वा रहा है, और आप उन लोगों को पकड़ लिए, आप उन फौजियों को हमको दे दीजिए, हम आप ही की ओर से उसको इंग्लैंड से लड़वा देंगे। हिटलर का पगला गया है, मोटर समझा है कि अगला गियर लगाओ, बैक गियर लगा दो, अभी आया था हमको मारने के लिए, अभी इंग्लैंड से कैसे मारेंगे आप। कहा कि आप वो जिम्मेदारी हमें छोड़ दीजिए, इन लोगों अंग्रेज सर ने क्या किया है, राष्ट्र प्रेम की भावना इनमें से क्या कर दिया है, खत्म कर दिया है। तो इन्होंने कहा कि हिटलर मान ही नहीं रहा था, क्योंकि हिटलर बहुत बड़ा हॉल बनवाया था, जैसे क्या क्लासरूम कैसे है ऐसे ही, इसमें सबको बैठाता था कुर्सी पर, सब लोग बैठ जाते थे, इसमें खिड़की चारों ओर से नहीं थी। जब सब लोग आ जाते थे, दरवाजा बंद करके जहरीला गैस डाल देता और शीशा वाला खिड़की लगा था, उसमें से देखता था कि कैसे मर रहे हैं। मरो मरो, बहुत खतरनाक था हिटलर। समझ, हिटलर बहुत ही मतलब किसी का बात ही नहीं सुनता था। आज भी लोग कहते ना हिटलर साहित्य बड़ा नहीं सुनेंगे, किसी की बात नहीं सुनता। सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि आप मार के क्या करेंगे, आप हमें एक मौका दीजिए, हम इन भारतीय सैनिकों को अपने देश ले जाएंगे, और अपने देश ले जाके किसको मारेंगे, ब्रिटेन वाले को मारेंगे, तो ब्रिटेन वाला वहां पिटाएगा तो यहाँ पे भी उसका असर देखने को मिलेगा। तो हिटलर ने मौका दिया किसको, सुभाष चंद्र बोस को। सुभाष चंद्र बोस के पास बहुत सारे फौजी थे, तो देखे उन्होंने मनाया कि भाई देखो अंग्रेजों को मारो, ऐसे गांधी जी की तरह नहीं कि प्रथम विश्व युद्ध में साथ दिए आजादी मिलेगा, मिल गया आजादी नहीं, तो तुम द्वितीय विश्व युद्ध में अंग्रेजों का साथ देने आए हो, आजादी मिलेगा कभी नहीं मिलेगा। भारतीय सैनिक पहले सुभाष चंद्र बोस के खिलाफ थे, क्योंकि सैनिकों को वेतन ठीक ठाक इंग्लैंड दे देता था, लेकिन भारतीय सैनिक जो थे उनको मोटिवेट किए सुभाष चंद्र बोस। बर्मा में इन्होंने प्लान बनाया कि बर्मा के रास्ते मतलब म्यांमार के रास्ते भारत में जाया जाएगा। सुभाष चंद्र बोस बहुत जबरदस्त, उनका एक नारा भी था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा।
सुभाष चंद्र बोस सबको क्या किया, एकदम मोटिवेट किया सारे सैनिकों को। वह खून कहो किस मतलब का, जिसमें उबाल का नाम नहीं। वह खून कहो किस मतलब का, आ सके देश के काम नहीं। वह खून कहो किस मतलब का, जिसमें जीवन न रवानी है। जो परवश होकर बहता है वह खून नहीं है पानी है। उस दिन लोगों ने सही सही खून की कीमत पहचानी, जिस दिन बर्मा में सुभाष ने मांगी उनसे कुर्बानी थी। बोले स्वतंत्रता की खातिर बलिदान तुम्हें करना होगा, तुम बहुत जी चुके जग में लेकिन आगे तुम्हें मरना होगा। आजादी के चरणों में जो जयमाल चढ़ाई जाएगी वह सुनो तुम्हारे शीशों के फूलों से गूथी जाएगी। स्वतंत्रता का संग्राम कहीं पैसों पर खेला जाता है या शीश कटाने का सौदा नंगे सर झेला जाता है। अजान बाहों ऊंची करके बोले रक्त तुम मुझे देना, बदले में भारत की आजादी तुम मुझसे लेना। हो गई सभा में उथल पुथल, सीने में दिल न समाते थे, स्वर इंकलाब के नारे कोसों तक सुनाई देते थे। बोले सुभाष वह आगे आए जिसमें भारतीय खून बहता हो, वह आगे आए जो खुद को हिंदुस्तानी कहता हो, वह आगे आए जो इस पर हस्ताक्षर करता हो, मैं कफन बढ़ाता हूँ, वह आगे आए जो इसे हंस कर लेता हूँ। सारी जनता हुंकार उठी, हम आते हैं, माता के चरणों में अपना रक्त बहाते हैं। साहस से बड़े युवक उस दिन बढ़ते ही जाते थे, चाकू छुरी कटारों से वे अपना रक्त बहाते थे, फिर उस रक्त की स्याही में वे अपनी कलम डुबाते थे और आजादी के परवाने पर हस्ताक्षर करते जाते थे। उस दिन तारों ने देखा हिंदुस्तानी विश्वास नया, जब लिखा भारत के महारणवीरों ने खून से इतिहास नया। पूरे भारत के सैनिक जो थे जबरदस्त सैनिकों में उछाल आया, बाप रे पूरे भारत के सैनिक उजाड़ देंगे रे इंग्लैंड को हम। यहाँ हिटलर देखा कहा कि कौन आदमी है रिया, पूरा माहौल बदल के रख दिया है हमें। सुभाष चंद्र बोस को देखकर हिटलर बहुत प्रभावित हुआ और हिटलर ने बहुत मतलब सुभाष चंद्र बोस की इज्जत किया और सुभाष चंद्र बोस को हिटलर ने नेताजी की उपाधि दिया था। सुभाष चंद्र बोस के योगदान को कोई नहीं भूल सकता है। आप लोग बस एक लाइन पढ़ लेते हैं तो मुझे खून दवाई दे जा जाएगी जी मैंने या सर भी ना समझा क्या कि ना क्या सुभाष चंद्र बोस के योगदान को नहीं कर आप लोग के लिए उतना जरूरी है। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दो नारा आपके लिए समझा। चलो आप आगे समझते हैं। सुभाष चंद्र बोस जो थे वो इन सैनिकों को क्या किए, हिटलर के सहयोग से प्राप्त किए, लेकिन हिटलर ने कहा कि इन सैनिकों में अभी भी ट्रेनिंग का क्या है, अभाव है, ये डायरेक्ट नहीं लड़ पाएंगे। देखो लड़ने आए थे हम पकड़ के रख लिए कि नहीं रख लिए, इनको क्या जरूरत है, प्रॉपर ट्रेनिंग की जरूरत है। अब देखिए द्वितीय विश्व युद्ध में ना दो एलाइड फोर्स थे, मतलब तीन देश थे जो आपस में एक साथ थे। इधर में था जर्मनी, इटली और यहाँ पे जापान। ये तीनों जो थे ये ध्रुवीय राष्ट्र थे सब, इन्हें कहा जाता है एक्सियल फोर्सेस। और जो एलाइड फोर्सेस थे उसमें बड़े बड़े देश थे, अमेरिका था, कनाडा था, ब्रिटेन था, फ्रांस था, रूस था, ये सब थे सब। तो सुभाष चंद्र बोस ने जो भारतीय सैनिक जो कहां फंसे थे जर्मनी, इन्हें क्या किया अपने पास लिया और सुभाष चंद्र बोस हिटलर के सहयोग से आर्म्स एंड एनिमेशन लिया। और हिटलर ने किसे भेज दिया, जापान को कहा कि जापान भेजा इन सैनिकों को और इन सैनिकों को ट्रेनिंग और अच्छा हथियार किसने दिया, जापान। और जापान ने सुभाष चंद्र बोस को अंडमान और निकोबार द्वीप गिफ्ट में दे दिया, किसमें दिया गिफ्ट में, क्योंकि इंग्लैंड वालों से सुभाष ये जापानियों ने कौन सा द्वीप छीन लिया था, अंडमान और निकोबार। तो यहां पर सुभाष चंद्र बोस ने अंडमान और निकोबार द्वीप का नाम क्या रख दिया, शहीद एवं स्वराज, शहीद एवं स्वराज नाम रख दिया। और यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस को मिला, सिंगापुर में सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद सरकार बना लिया। क्या बना लिया, आजाद हिंद सरकार, कहा कि देश गुलाम नहीं है, हमारी सरकार है, अभी हम सिंगापुर से शासन कर रहे हैं, धीरे 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 दिल्ली पहुंचेंगे। और सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर से ही ऑल इंडिया रेडियो रेडियो पर बोला था मुझे इस लड़ाई में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की आशीर्वाद की जरूरत है। तो बताइए महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा था, सुभाष चंद्र। देखिए सुभाष चंद्र बोस और महात्मा गांधी में मतभेद नहीं था, दोनों की आइडियोलॉजी अलग थी। सुभाष चंद्र बोस 24 कैरेट गरम दल वाले और महात्मा गांधी 24 कैरेट नरम दल वाले, ये दोनों आपस में मिल नहीं सकते, लेकिन विवाद नहीं था। आप इतिहास को उस तरह से पढ़िए जिस तरह से हुआ है, ऐसे नहीं कि आप कह दें कि महात्मा गांधी उनमें झगड़ा था। अब आप ही बताओ, हम जीएस के टीचर और कोई मैथ के टीचर, हम दोनों लोग एक चीज पे कैसे जा सकते हैं भाई, उनका चीज पढ़ाने का तरीका अलग, हमारा अलग है, दोनों अलग अलग होंगे कि नहीं, लेकिन अल्टीमेट काम क्या है, आप लोग का रिजल्ट दिला। अगर हम जीएस, हम या इंडिया का कोई भी जीएस का टीचर, उसका जीएस में योगदान है, जो भी मैथ के टीचर उसका मैथ में योगदान है, रीजनिंग में योगदान है, आपको तो जरूरत दोनों की है। ऐसा थोड़ी है कि आप जीएस पढ़ लेंगे मैथ नहीं पढ़ पाएंगे तो आपका रिजल्ट हो जाएगा, आपको तो बैलेंस लेके चलना है। वो अलग बात है कि बीपीएससी यूपीएससी या दरोगा रेलवे इस सब में जीएस का वेटेज ज्यादा है, लेकिन ओवरऑल आपको तो लेके सबको चलना है। तो नरम दल भी जरूरत थी और गरम दल भी जरूरत, युवाओं का कहना है कि नरम दल की क्या जरूरत है,
अरे नहीं भैया, संगठन संगठित करने का काम नरम दल ही किया। और आप ध्यान से देखेंगे, नरम दल से ही जो एक्सट्रीमिस्ट लोग थे वो गरम दल के रूप में गए थे। समझ आ रहा कि नहीं आ रहा? किसी कोई दिक्कत नहीं? तो महात्मा गांधी से सुभाष चंद्र बोस ने क्या कहा? राष्ट्रपिता, सर सुभाष चंद्र बोस इतने पढ़े लिखे थे फिर भी गरम दल के कैसे हो गए? भाई गरम दल और नरम दल ये पढ़ने लिखने पे उतना डिपेंड नहीं करता, डिपेंड करता है आइडियोलॉजी कैसे है। हम नरम दल के हैं तो जो हम आज भी कहते हैं कि हम मतलब पढ़ाते हैं बस, बट टीचर बनने का हमारा 1% भी सपना नहीं, 1% भी। पढ़ाते हैं वो अलग बात, शुरुआत में हम पढ़ाना चालू किए थे फ्रस्ट्रेशन दूर करने के, क्योंकि हमको आर्मी में इस चीज से छांटा था जो कभी सही नहीं हो सकता। नंबर कम था, छांट देते अगली बार और मेहनत करके आते, मेरिट में हाथ बहुत ही टेढ़ा है ससुराल दिखता है यहाँ से, ऐसे हो गया यहाँ पर। फ्रस्ट्रेशन में तभी मम्मी को बोल देते थे आपको ध्यान नहीं रखना चाहिए, बचपन में तेल ओल सही से मालिश किया जाता है। बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हम पढ़ाना चालू किए थे फ्रस्ट्रेशन, अकेले टेंशन में रहते थे, सोचते थे तो हमारी जिंदगी खत्म होगी। एक को तो सपने देखे थे फौज में जाना है, ऐसा ही कैसे होगा, आर्मी में कुछ नहीं सुनता है, तो हम फ्रस्ट्रेशन की वजह से पढ़ाना चालू किए, यही में पढ़ाते रहोगे आप। तो ऐसा नहीं है कि भाई जो पढ़ा लिखा है वो गर्म दल का नहीं हो सकता, नरम दल का ही रहेगा। अमूमन देखिएगा गांव वगैरह के लोग, ग्रामीण क्षेत्र के लोग गर्म दल वाले होते, मार ससुरा के निकालना चाहिए, मार दिया तुरंत मारो यहाँ पे। तो शहरी क्षेत्र के लोग थोड़ा सा नरम दल, ग्रामीण क्षेत्र के लोग थोड़ा गर्म दल, बट पटना शहरी क्षेत्र है हमको लगता है यहाँ सब गर्म दल का। अजीब टाइप का मेंटेलिटी हो गया यहाँ पर। जाम में फंसे थे भिकना पहाड़ी पर, एक लड़का पैदल जा रहा था, एक स्कूटी वाला को हल्का सा लग गया, ज्यादा जोर से नहीं लगा, जाम में कितना लगेगा, कह रहा है भाई परवा पे चढ़ा दिया नहीं दिख रहा है, उठ के तरह है एक झापड़ दे दिया, बड़ा खराब लगा हमको। वो केवल इसीलिए एक झापड़ उसको दे दिया क्योंकि वो देख रहा था कि पैदल है क्या कर लेगा मेरा। मेंटेलिटी सोचिए, अगर सामने वाला कुछ नहीं कर सकता है हम कुछ कर देंगे, तभी हमारा से बोले स्कूटी या ओकरा सहित गड़िया में रख लेते हैं, यहाँ कोल्ड स्टोर आइए अगले सीजन में छोड़ते हैं। ना मतलब देखिए मेंटेलिटी देखिए लोगों, उसके अंदर गुस्सा पावर कुछ नहीं है, वो देख रहा है कि हमारा जिससे झगड़ा वो कुछ नहीं कर सकता। वही विधायक जी रहते तो बांध के लेके चल जाते हैं, चुनाव में होकर बांट देते हैं। एक ठीक रहा है, चलो आगे समझते। तो बताइए सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद सरकार की स्थापना कहां कर दिया? सिंगापुर में। और यहीं से सैनिकों को कहा था कि अब हमें यहां नहीं रुकना है, कहां चलना है? दिल्ली चलो, दिल्ली चलो का नारा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूं। सुभाष चंद्र बोस, नेताजी की उपाधि किसने दिया इन्हें? एडॉल्फ हिटलर, एडॉल्फ हिटलर, हिटलर का पूरा नाम एडॉल्फ हिटलर था, हिटलर का पूरा नाम क्या था? एडॉल्फ हिटलर। अब यहां से ये बर्मा में, कहां पहुंचे? बर्मा, बर्मा में, यहां पर उन्होंने हेड ऑफिस बनाया था बर्मा, अभी का नाम म्यांमार है वहां पर। यहां पर आजाद हिंद फौज से उनकी क्या होगी? मुलाकात, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस के पास जो सेना थी वो वेल ट्रेंड थी, जर्मनी में भी ट्रेनिंग मिला, जापान में भी मिला, आधुनिक हथियार मिला और एक योग्य कमांडर मिला। आपका कमांडर तगड़ा रहना चाहिए, युद्ध आप ऐसे ही जीत जाएंगे। अगर कमांडर डरपोक मिल गया युद्ध कभी नहीं जीत पाएंगे। वहां पर चाइना और भारत के बीच जो गलवान घाटी हो रही है, तो भारत अभी भी वहां अपना पंजाब रेजिमेंट का 11th कोर को तैनात किया हुआ है, अभी भी 2 साल हो, 1.5 साल हो गया, अभी भी वहां हमारे ही कमांडर वही है। और चाइना ने अपने कमांडर को 7 बार बदल चुका, 7 बार बदल चुका, सोच सकते हैं। इसलिए हम गर्व है हमें हिंदुस्तानी सेना का, आज भी वो डटे हुए। बिहार रेजिमेंट वाला मारा था उसको, ये तो और मनमर होता है, दंगा दिया वहां पर। इनके कमांडर कहते रह गए, अरे एग्रीमेंट है हम लोग का 1996, हम हथियार नहीं चला सकते। यार ही बोला था कौन मार गोली चला रहा है, लाठिये बहुत लो है, एक ट्रेनिंग तो हम लोग को बचपने से है। मार लाठी मार मार दे, बताइए जिस देश का कमांडर बदला जाएगा उस देश का सेना का मनोबल गिरेगा कि नहीं गिरेगा? खत्म हो जाएगा। अब वो सब टिक नहीं पाता, ऐसा में खाना पे भी बोला जाता। अमेरिकन सेनापति ने कहा था कि सेना कितना लड़ेगी ये डिपेंड करता है उसके पेट में कितना अनाज। तो भारतीय सेना का खाना जो है ना, या इंडियन खाना बहुत ठोस होता है, चाइनीज वाला चाउमीन, चाउमीन चाउमीन का उस तरह हम लोग का ही अटक जाएगा। चाउमीन खत्म होने के बाद पता चलता है कि अब पेट में पहुंचा है, तब तक तो हम लोग ऐसा फेगस में अटका रहता है। चाउमीन खा के लड़ाई करेंगे, यहाँ बिहार वाला है
लिट्टी खा के जाएगा, चना भिगा के ले जाएगा, मार तुझे मार तुझे। तो सुभाष चंद्र बोस के पास एक अच्छी फौज थी कि नहीं थी? सुभाष चंद्र बोस के पास एक योग्य सेना थी, और सुभाष चंद्र बोस में नो डाउट एक योग्य सेनापति थे। हालांकि खामखा में आईएएस की नौकरी में गए थे, उनको भी सेना में जाना चाहिए, लेकिन वो भी सेना में नहीं जा पाए, कोई बात नहीं। लेकिन सेना में सर्व करने का मौका मिला कि नहीं? कहीं ससुरा मार हो जाए तो हम लोग घुस जाते हो, बाहर में जाओ आप, पेट ना कोई दिक्कत नहीं, आप तो दीजिएगा ना निपटा, हमारा देता था हम कब के तिब्बत में घुस जाते तो बाहर में जाते। तो सुभाष चंद्र बोस के सामने एक समस्या यहाँ आई कि बर्मा में पहले से भारत के सैनिक थे सब। उस समय एक फौज थी जिसका नाम था आजाद हिंद फौज, आजाद हिंद फौज। ठीक है, आजाद हिंद सरकार ने गठित किए थे सुभाष चंद्र बोस। आजाद हिंद फौज कैप्टन मोहन सिंह, एक कैप्टन थे कैप्टन मोहन सिंह। कैप्टन मोहन सिंह ने आइडिया दिया कि क्यों ना हम भारतीयों के लिए एक फौज बनाए। तो ये किसने आइडिया दिया? कैप्टन मोहन सिंह। और ये जिम्मेदारी दी गई रास बिहारी बोस को। किसे दी गई? रास बिहारी बोस। रास बिहारी बोस ने इसका गठन किया, लेकिन उस समय तक रास बिहारी की बोस 70 से ज्यादा उम्र के हो गए थे। अभी बताइए, सेना का कमांडर 70 से ज्यादा उम्र का, सेना में मनोबल रहेगा? सेना में एकदम भयानक गरजने वाला होना चाहिए, वहां पर बॉर्डर पे एकदम गरजने वाला सेनापति चाहिए। दरिया तेरी खैर नहीं, बूंदों ने बगावत कर दी है, नादा ना समझ इनको लहरों ने बगावत कर दी है, हम परवाने हैं मौत समा, मरने का है खौफ का, रे तलवार तुझे झुकना होगा, गर्दन ने बगावत कर दी है। खतरनाक होना चाहिए एकदम सेनापति, मार करा दे सुजरा, जो मरलो रहे दोनों हथियार उठा लेके मार सुजरा एकदम। सेनापति का मतलब क्या होना चाहिए? एकदम खूंखार चंडाल, एकदम तनिको मोह माया नहीं, लास्ट में बैठ के ससुरा खाना खा ले और करे जेब चेक करे कुछ बचल है क्या एक रंग। ऐसा सेनापति एकदम क्रूर होना चाहिए, काट डाले वहां पर। रास बिहारी बोस बहुत ही योग्य व्यक्ति थे रास बिहारी बोस, लेकिन उम्र का तकाजा होता है, हर इंसान का उम्र ढलने के बाद नहीं हो पाता है। 70 साल की उम्र के बाद क्या करें, हम इतना पढ़ा रहे 50 साल, 4-5 साल बाद हमें इतना ना पढ़ा पाएंगे, कितना बचले होगा हम लोग। तो बुढ़ापा में इंसान नहीं हो पाते। तो सेना ने कहा कि अब हमें यह कमांड किसको दे देना चाहिए? सुभाष चंद्र बोस को। तो बताइए, सेना का कमांड, आजाद हिंद फौज के कमांड किसने संभाल लिया? सुभाष चंद्र बोस। इन्होंने संभाला था 1942 में। कब संभाला था? 1900। क्या 1942 में आजाद हिंद फौज बनी थी? नहीं, बहुत पहले बन गई थी, छिटपुट थी इधर उधर यहाँ पर। अब इन्होंने क्या किया, आजाद हिंद फौज बनाया, और इन्होंने कई ब्रिगेड बनाया, लक्ष्मी ब्रिगेड बना दिया, महिलाओं का क्या बना दिया, लक्ष्मी ब्रिगेड, सुभाष ब्रिगेड, गांधी ब्रिगेड, नेहरू ब्रिगेड, पूरा सेना का गठन बना दिया भयानक। और सेना का एकदम जबरदस्त इनके पास क्या था, हथियार था, आप जवानियों से सहयोग मिला था, हिटलर से सहयोग मिला था, और ये अब म्यांमार के रास्ते कहां बढ़ने लगे, भारत की ओर। जापान से एक उम्मीद थी, लेकिन 6 अगस्त 1945 को अमेरिका जापान पे बम पटक दिया, दूसरा 9 अगस्त को फिर पटक दिया, अब जापान ने हाथ खड़ा कर दिया, हम क्या कर सकते हैं। सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु के बाद सेना का मनोबल ही गिर गया, और सेना के ऊपर भारी पड़ गए कौन, अंग्रेज, क्योंकि अंग्रेज को टेंशन नहीं, उधर जापान मारा गया, इधर जर्मनी मारे गए, एक बच्चा था इटली, इटली का था डोमिटो मुसोलिनी, ये महालोल था ससुरा, ये तो माँ, इसकी जनता ने इसको पकड़ के तमाचा तमाचा मार दिया, इसी के देश की जनता ने मुसोलिनी को इसी के देश में तमाचा तमाचा मार के मार दिया, उसका बेचारा का इधर उखड़ गया था, इतना मार मारे थे सब, चौराहा पे फांसी दे दिया, महाबैल था मुसोलिनी। मुसोलिनी का कहना था, जो पुरुष युद्ध नहीं लड़ा वो बाज महिला के समान है। कोई बात है भाई, युद्ध जरूरी है, लेकिन युद्ध किस हाल में जरूरी है ये है, आप युद्ध को बहुत हद तक टालिए, आखिरी डिसीजन होना चाहिए युद्ध होना चाहिए, ऐसा थोड़ी है युद्ध कर दो एकदम यहाँ पर। सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु के बाद आजाद हिंद फौज के सैनिकों को गिरफ्तार किया गया, और लाल किला में इनके खिलाफ मुकदमा चलाया गया। आजाद हिंद फौज के सैनिकों पर मुकदमा कहाँ चलाया गया था? लाल। और लॉर्ड लिनिथगो थे उस समय भारत के वायसराय। उसके बाद लॉर्ड लिनिथगो के संभार आए थे, मिंटो उन्टो को इसको भेजा गया, माउंट बेटन वगैरह, तो इसके ऊपर मुकदमा चलाया गया। तो उसके बाद जब मुकदमा चलाया गया, तो भारत के जवाहरलाल नेहरू वकील जो थे, काटजू थे, सपूत, तेज बहादुर सपूत थे, बहुत सारे वकीलों ने आजाद हिंद फौज के सैनिकों का पैरवी किया, और जज से कहा कि गलती से भी आप सजा मत सुनाइएगा। याद है मंगल पांडे, एगो को सुनाए थे मंगल पांडे को, बाकी 1857 का क्रांति किया था। अभी माहौल सही नहीं है जज साहब, आप इनकी सजा को माफ कर दीजिए, वरना फिर बवाल कर देगा सभी सैनिक सब। तो जज ने कहा माफ करने की शक्ति हमारे पास नहीं है, राष्ट्रपति को होती है। उस समय राष्ट्रपति के पद पर वायसराय हुआ करता था,
तो वायसराय ने इनकी सजा को क्या कर दिया, माफ कर दिया। अगर द्वितीय विश्व युद्ध नहीं होता तो हम लोग 1947 में आजाद नहीं होते, ये वास्तविकता है। द्वितीय विश्व युद्ध नहीं होता तो हम 47 में तो आजाद नहीं होते, 55 में होते, 51 में होते, लेकिन 47 में तो किसी कीमत पे आजाद नहीं होता। क्योंकि देखिए ना, ऐसा कौन सी घटना लगा जिसने अंग्रेजों को ज्यादा नुकसान पहुंचाया द्वितीय विश्व, बाकी भारत छोड़ो आंदोलन केवल इसीलिए हुआ था कि अंग्रेज द्वितीय विश्व युद्ध में बीजी थे। रियलिटी देखिए, टाइमिंग नहीं देख रहे हैं, क्रिस्प प्रस्ताव आया, भाई बहुत मजबूरी है गांधी जी, गांधी जी उसको कमरा में ले गए, बहुत जरूरी है क्या फौज की, ताकि गांधी जी आप ही बचा सकते, प्रथम विश्व युद्ध में आप ही सैनिकों को भेजे थे, हम लोग आपको सार्जेंट बोले थे, बहुत जरूरत है, दिक्कत हो गया है, गांधी जी को यही तो हम जानना चाहते हैं, जाओ हम भेजेंगे। गया बेचारा क्रिप्स और भारत छोड़ो आंदोलन, कहा कि बहुत कमीना आदमी है। तो द्वितीय विश्व युद्ध नहीं होता तो हम लोग को आजादी इतना जल्दी नहीं मिलता। बाकी देखिए, भगत सिंह 1930 में ही इन्हें फांसी, 31 में फांसी दे दी गई, चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान, ये लोग 30 के दशक तक ही इन लोग को क्या कर दिया था, अंग्रेज फांसी दे के गोली मार के कैसे भी क्या कर दिया था, खत्म कर दिया। 30 के बाद कोई बहुत बड़ा क्रांतिकारी आंदोलन ही नहीं मिलेगा, सुभाष चंद्र बोस का मिलेगा, और सुभाष चंद्र बोस को भी देखिए क्या हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी जापान मराया और पूरा खत्म हो गया है। क्योंकि हम लोग के पास अपना क्या था, ना फैक्ट्री थी, ना हथियार था, ना कुछ सैलरी उलरी कहाँ से दीजिए गया, तो बहुत द्वितीय विश्व युद्ध हुआ भी तो एक तरह से हम लोग के लिए क्या था, अच्छा ही था सोचा द्वितीय विश्व युद्ध हुआ पहले, और अगर द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी जीत जाता तो हम 1942 में आजाद हो गए। जर्मनी ने गलती ना कर दिया, उसने रूस पर आक्रमण कर दिया, ये सोचना देखता है कितना गौर है, कहाँ आक्रमण कर दिया, रूस पर। रूस ने सबसे ज्यादा लोग को गंवाए हैं प्रथम विश्व युद्ध में भी और द्वितीय विश्व युद्ध, इतना लोग मरे हैं कि रूस में कहीं पे भी देखेंगे तो सड़क पर 40% आपको लड़के मिलेंगे, 60% वहां क्या मिलेंगी, लड़कियां मिलेंगी, जिसके दो रीजन है, एक तो प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध में मरा गए सब, दूसरा का रीजन वहां पे शराब बहुत ज्यादा, वहां पे लोग क्या पीते हैं शराब, ठंड प्रदेशों में शराब जो होता है एकोमोडाइजेशन में क्या करता है, मदद करता है। दूसरा, वेस्टर्न कल्चर में शराब सिगरेट जुआ ये सब क्या है, नॉर्मल, हमारे यहाँ क्या है शराब थोड़ा सा गलत माना जाता है, उतनी मनी होली में चल गया चल गया, अदरवाइज होली में ना थोड़ा सा आदमी एडजस्ट कर चले यार होली में समझा कि, अदरवाइज में आप शराब पीजिएगा तो भारतीय समाज में लोग आपको अच्छे नजर से नहीं देखते, होली में बस ऐसा कॉम्प्रोमाइज हो जाता है, और वो सजा सब ऐसा पी लेता है कि उलटल कहीं रहता है, अरे भाई थोड़ा लिमिट में रहना, नहीं तो तोरे चक्कर में त्योहारों बदनाम हो जाएगा, लेकिन ना तो हम चौपट है तो सबको चौपट करेंगे। तो ये रूस बहुत ज्यादा इसमें लॉस रहा था। तो आपको सुभाष चंद्र बोस का समझ आ गया, अब आगे हम लोग कल करेंगे। ओके, एज यूजुअल वीडियो बहुत 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 अच्छा था। मैं जब भी मतलब खान सर को सुनती हूँ, ठीक है, उनके जब ऐसे कोई मैं वीडियोस देखती हूँ तो पता नहीं वो इतने डिटेल्स इतने बारीकी से बोलते हैं ना कि मैं पूरा वो पिक्चराइज कर लेती हूँ, ठीक है। और जब भी ऐसा होता है ना, प्राउड मुझे बहुत ज़्यादा होता है, ऐसा नहीं कि नहीं होता है, लेकिन ना मतलब कैसे बताऊँ मैं आपको, अंदर से ना बहुत ज़्यादा फील होने लग जाता है, मतलब मैं पूरा इमेजिन करती हूँ कि ऐसा हुआ होगा वैसा हुआ होगा, वो जिस तरीके से एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है, मतलब कैसे बताऊँ, मतलब इतना डीपली जो है ना खान सर एक्सप्लेन करते हैं, कहने का सिर्फ ये एक ही मकसद है, ठीक है। एंड यस गाइस, वीडियो खत्म करने का टाइम हो गया है, वीडियो ऑलरेडी लंबी है, सो वीडियो पसंद आया है, आप लोग की रिक्वेस्ट कंप्लीट की है, तो इसी बात के ऊपर प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर देना, शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ में, खान सर के फैंस के साथ में, खान सर के स्टूडेंट्स के साथ में, एंड यहाँ तक देख लिया तो छोटी सी रिक्वेस्ट है मेरी, प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो फिर मैं मिलती हूँ आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक खुद का ख्याल रखें, खुश रहें, एंड थैंक यू, टाटा, बाय बाय।